सो फुजिको एफ फुजियो जिनकी डेथ 1996 में हो गई, केवल 62 इयर्स जीने के बाद फुजिको एफ फुजियो की डेथ हो गई थी। बट उस दिन ऐसा क्या हुआ था और उनकी डेथ के पीछे क्या डोरेमोन का भी कुछ हाथ है और उनकी डेथ कैसे हुई थी? सो अगर आपको भी इसका आंसर जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। सो दोस्तों, फुजिको एफ फुजियो का बर्थ 1 दिसंबर 1933 को जापान में टोयामा शहर में हुआ था और उनका रियल नेम हिरोशी फुजिमोटो था। अब मैं तुम्हें उनकी बायोग्राफी देकर बोर नहीं करना चाहता हूँ, सो बात करते कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो देखो, 23 सितंबर 1996 को फुजिको फुजियो अपने ऑफिस से रात को घर आए थे, तो उन्होंने रेस्ट लेने के लिए थोड़ी देर डोरेमोन देखने के लिए टीवी ओपन किया, बट टीवी पर डोरेमोन का कोई अनऑफिशियल एपिसोड ब्रॉडकास्ट हो रहा था। फिर फुजिको फुजियो सोच में पड़ गए कि ये एपिसोड तो मैंने बनाया नहीं। एक्चुअली उस एपिसोड में नोबिता 10 मिनट तक बिना कुछ बोले चलता रहता है और 10 मिनट के बाद टीवी का स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और बाद में नोबिता फिर से दिखाई देता है और कहता है अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो। और जस्ट उसके अगले दिन फुजिको फुजियो की डेथ न्यूज फैल जाती है। बट ये स्टोरी फेक है, अभी जो मैंने ये कहानी जो तुम्हें सुनाई वो फेक है। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ यूट्यूबर ऐसे वीडियोस बनाकर व्यूज एंड सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस किसी के झूठे बातों में आ जाए। और यहाँ पर हम जैसे यूट्यूबर इतनी मेहनत कर रहे हैं और ना तो हमें व्यूज और सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं मिल रहा, सो ऐसे वीडियोस देखना बंद करो। तो टॉक विथ्स में तू ही बताना कैसे हुई थी डेथ। सो देखो, 23 सितंबर 1996 को फुजिको फुजियो की डेथ हुई और ये डेथ उनकी डोरेमोन मूवी की स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद हुई थी। और इस मूवी का नाम नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी था, जिसका नाम इंडिया में डोरेमोन मूवी गोल गोल गोलमाल हो गया। एक्चुअली फुजिको फुजियो की डेथ लिवर फेलियर के कारण हुई थी और उन्हें यह बात पहले से पता थी कि वो मरने वाले हैं और उन्होंने एक मिस्ट्री भी छोड़ कर गए जो हमें डोरेमोन की मूवी गोल गोल गोलमाल में दिखाई दिया, जो ये मूवी 1997 में रिलीज की गई थी। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो मेरे ओपिनियंस एंड थ्योरीज है, सो इसे पर्सनली मत लेना। आपने प्लैनेट बनाया है तो क्या आप एक एंजल है? नहीं, उनसे थोड़ा अलग। तो आज मुझे पता चला एंजल ऐसे दिखते हैं। नहीं, हमारा कोई शरीर नहीं होता। तुम इंसानों को आसानी से समझाने के लिए हम अपने शरीर को इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। ये मेरा काम पूरा हो गया। इस प्लैनेट को मैं तुम्हें सौंपता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसका ख्याल रखो। आप हमें सौंप रहे हैं? अब मैं किसी दूसरे प्लैनेट पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अभी जो तुमने ये क्लिप देखी वो कैरेक्टर गोल गोल गोलमाल में दिखाई दिया था जिसकी फुजिको फुजियो स्क्रिप्ट लिख रहे थे। इस कैरेक्टर ने अपने आप को सीड सोअर कहा, जो भगवान के लिए यूज किया जाता है, और भगवान मतलब फुजिको फुजियो जिसने दुनिया रची थी मतलब डोरेमोन, और वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए किसी का भी रूप ले सकते हैं, मतलब उनके सारे एनिमे सीरीज। अब वो जा रहे हैं इसलिए अब वो अपने काम पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर मतलब मोटो अभी को, जो फुजिको फुजियो के बचपन की दोस्त है। और फुजिको फुजियो की डेथ होने के बाद मोटो अभी को ही डोरेमोन के न्यू सीरीज को क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुजिको फुजियो की डेथ होने के बाद भी डोरेमोन के बहुत सारे एपिसोड अभी भी चल रहे हैं, मतलब अभी भी डोरेमोन के बहुत सारे एपिसोड आ रहे हैं, और उनकी डेथ इस स्क्रिप्ट के जस्ट लिखने के बाद हुई थी। अब विश्वास नहीं हो रहा तो तुम गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, लेकिन छोड़ो मैं ही तुम्हें दिखा देता हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ऐसी वीडियोस देखना बंद करो। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।